सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी क्या है, अभी रमज़ान स्टार्ट हो चुका है तो मेरा ब्लॉग कभी भी कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह स्टार्ट करूँगी या फिर सिर्फ शाम को स्टार्ट करूँगी, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। फिलहाल अभी जहाँ से ख़त्म था मेरा ब्लॉग, मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। मैंने इफ्तार कर लिया था, लेकिन जो हम चाय लवर का सबसे इम्पोर्टेंट होता है चाय, वैसे मैंने पहले से चाय बहुत कम कर दी, ऐसी बात नहीं है। और रमज़ान आ गए तो वैसे भी आपको बहुत कम हो जाता है। और अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, हम सबके ही हो रहा होगा, क्योंकि रमज़ान का जो पहला रोज़ा है वो सबसे ज़्यादा लगता है। कुछ नहीं, लेकिन सर में दर्द तो ज़रूर होता है। क्यों, आप लोग मेरे इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। सो अभी यहाँ पे बना रही हूँ चाय। अम्मी ने पहले कप पिला दिया, अभी दूसरा कप मैं बना रही हूँ। नमाज पढ़ लिया, उसके बाद अब जाके चाय बना रही हूँ। एंड आप लोग भी कमेंट करके मुझे शेयर करिए कि आप लोगों का पहला रमज़ान जो है वो कैसा गया है। अभी पीते हैं चाय। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है दूसरा रोज़ा। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रबड़ी, क्योंकि आज बनाएंगे इफ्तार में शाही टुकड़ा। यहाँ पे ये वाला फूड कलर है जो मैं मॉल से लेके आई थी। अभी थोड़ा सा डाल के देखते हैं कि इसका कलर कैसा आ रहा है, उसके बाद ही इसमें और डालेंगे। कलर बहुत अच्छा है, एकदम लाइट सा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें और डाल दूँ तो ज़्यादा और अच्छा कलर आ सकता है। इसमें थोड़ा सा भी और डालेंगे। या दैट्स इट। बस इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको भी ऐसे ही और धीमी आंच में पकाऊंगी। पिछले 10-15 मिनट्स में ऑलरेडी इसको पका रही हूँ, और इसको और पकाएंगे। यहाँ पे पापा ने एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में खजूर जो है मंगा लिया। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ खजूर को थोड़ा सा पानी से वॉश कर दूंगी, उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे डब्बे में करके, क्योंकि ज़्यादा है और कोई कोई खजूर थोड़ा सा गला हुआ भी है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसको ड्राई करके इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के, जब इसका पूरा पानी सूख जाएगा ना, उसके बाद इसको डब्बे में करके फ्रिज में रख देंगे। तो पूरे रमज़ान अगर हमें कोई चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने प्लेट में, वो है खजूर। इसके साथ ही हम अपना रोज़ा खोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में खजूर एक ही बार में मंगा लिया गया है। और मैंने सोचा इसे कर लेते हैं, ताकि इसमें जो भी गंदगी है ना वो अच्छे से साफ़ करके फिर इसको सुखा देंगे, उसके बाद इसको डब्बे में करके फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में इसलिए रखेंगे क्योंकि खजूर में जो कीड़े हैं बहुत जल्दी लग जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो खजूर को जब भी खाइए एक बार अच्छे से चेक करके उसके बाद ही उसको खाया करिए, क्योंकि इसमें कीड़े रहते हैं और हमें काफ़ी बार पता भी नहीं होता है। इसलिए खजूर को फ्रिज में ही रखिए, उससे क्या होता है कि खजूर में कीड़े नहीं लगते हैं और वो ज़्यादा दिन तक अच्छे रहते हैं।
सो यहाँ पे शाही टुकड़ा का रबड़ी जो है वो मैंने पहले बना के फ्रिज में रख दिया था, और आप जाके ब्रेड को यहाँ पे फ्राई कर लिया। मैंने पूरा ब्रेड एक ही बार में फ्राई कर लिया, उसके बाद इसको कट कर रही हूँ। चाहे वो जिस तरह से भी टूट रहा है कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एक बार हम लोग इसमें रबड़ी डालते हैं वो वैसे भी एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने एक ही बार इसको फ्राई कर लिया, ज़्यादा झंझट नहीं होता उससे। और यहाँ पर अभी हम लोग डालेंगे सिरप, जिसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था। चाशनी में मैंने हल्का सा दूध ऐड किया था, उससे आपका शाही टुकड़ा का टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे ऊपर से डालेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स। वो भी आ रहा फिर क्या है ना, आ रहा फिर कर भी आएगा। अच्छा ठीक है। एंड लास्ट हम लोग इसके ऊपर डालेंगे रबड़ी। कोई आवाज थी या कोई नहीं? नहीं मेरा ऐसा लग रहा है कि मीठा टुकड़ा रखी है ना। और अभी अभी हमने इफ्तार किया, उसके बाद हम लोग एक घंटा लेट गए, और अभी अचानक से ऐसा बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो छत पे कपड़ा था, हम लोग लाने के लिए जा रहे हैं जल्दी रोजा खोलने के बाद सजा हो जाता है अगर कोई आपको बोल दे कि छत पे जाओ। पता नहीं बिन मौसम यहाँ पे बरसात हो रहा है। माँ कहीं ऐसा ना कोई ऊपर से फेंका होगा, कंफ्यूजन हो गया कि बारिश हो रहा है। वॉक करवा दिए पूरा अच्छा खासा। ओके फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी हम लोग आए हैं वॉक पे, अभी बज रहे हैं रात के 9, नमाज पढ़ लिया है, उसके बाद आए हैं। बस 10 मिनट वॉक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे घर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।